फ्रेंड्स, पधारोसा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सबकी फेवरेट रसगुल्ले, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक पतीले में 3 लीटर गाय का फ्रेश दूध लिया है। अब इसे उबाल आने तक गर्म करना है। आप चाहें तो पैकेट वाला दूध भी ले सकते हैं, पर रसगुल्ला बनाने के लिए लो फैट दूध ही लेना है। दूध में उबाल आ गया है, अब फ्लेम बंद करनी है और इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने देना है। एक कटोरी में मैंने 2 बड़े नींबू का रस छान कर लिया है। अब इसमें इतना ही पानी डालकर मिलाना है। बिना पानी मिलाए ही नींबू का रस डालकर दूध फाड़ने से छेना सॉफ्ट नहीं बनता है, जिससे रसगुल्ले कड़क बनते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें थोड़ा नींबू का रस डालकर धीरे धीरे मिक्स करना है। नींबू का रस एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। देखिए, दूध फट गया है। अब एक बड़े बर्तन पर छलनी रखकर इस तरह से सूती कपड़ा लगाकर पनीर को छानना है। अब इस पर साफ पानी डालकर दूध और नींबू की खटास को निकलने तक 3 से 4 बार अच्छी तरह धोना है। पनीर को मैंने अच्छी तरह धो लिया है। अब इसे इस तरह से कपड़े में लपेटकर इस पर कोई भारी चीज रखनी है, जिससे इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। लगभग 1 घंटा हो गया है। अब इसे किसी परात या थाली में निकालकर मसलना है। अब इसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डालकर लगभग 10 मिनट तक इस तरह से मसलना है। आप कॉर्नफ्लोर की जगह मैदा या आरारोट भी डाल सकते हैं। छेना तैयार है। अब थोड़ा मिश्रण लेकर इस तरह से बॉल तैयार करनी है। मैंने इतने पनीर से 32 रसगुल्ले तैयार किए हैं। चाशनी तैयार करने के लिए एक पतीले में 1.5 कप चीनी और 6 कप पानी डालकर चीनी पिघलकर उबाल आने तक गर्म करना है। उबाल आ गया है, अब इसमें एक एक करके सारी छेना बॉल्स डालनी है, पर इन्हें एक एक करके ही डालनी है, जिससे चाशनी का टेम्परेचर कम ना हो। ठंडी चाशनी में डालने से रसगुल्ले टूट जाते हैं। मैंने सारी छेना बॉल्स डाल दी है। अब इस पर ढक्कन लगाकर 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाना है और इस बात का ध्यान रखना है कि 10 मिनट से पहले ढक्कन नहीं हटाना है। 10 मिनट हो चुके हैं, रसगुल्ले फूल कर अपने साइज से दुगने हो गए हैं। अब इन्हें हल्के हाथ से पलट कर दोबारा ढक्कन लगाकर 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाना है। 10 मिनट हो चुके हैं, अब फ्लेम बंद कर देंगे। अब एक बड़े बाउल में ठंडा पानी लेना है। मैंने इसमें थोड़ी आइस क्यूब्स भी डाल दी है। अब गरम चाशनी से रसगुल्ले निकाल कर इस चिल्ड पानी में डालने हैं। इससे रसगुल्ले जिस साइज और शेप में हैं उसी में रहेंगे। मैंने सारे रसगुल्ले इसमें डाल दिए हैं। 7 मिनट हो चुके हैं, अब मैं आपको एक रसगुल्ला लेकर दिखाती हूँ। रसगुल्ले को इस तरह से दबाकर सारा पानी निकाल दिया है। अब इसे दोबारा पानी में डालने से रसगुल्ला अपने शेप में आ गया है। अब बची हुई जो चाशनी है, जिससे रसगुल्लों को निकाला था, उसे ठंडा होने देना है। अब एक एक करके रसगुल्लों को पानी से निकाल कर एक बाउल में निकालना है। देखिए मैंने कैसे इससे पानी निकाला है, फिर भी ये टूटे नहीं हैं। अब इस पर चाशनी डालकर 2 से 3 घंटे तक फ्रिज में ठंडा होने देना है। देखिए, चाशनी डालने से रसगुल्ले फिर से अपने शेप में आ गए हैं, यानी रसगुल्ले परफेक्ट बने हैं। रसगुल्ले तैयार है।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।